वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। क्लास 12 की मैथ हम पढ़ा रहे थे। मैथ में हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करा चुके हैं, डिफरेंशियल भी हमारी चल रही है, और मैट्रिक्स में 3.1 करा चुके हैं, और हम आज 3.2 के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो आज हमने क्वेश्चन 10, 11 और 12 क्वेश्चन कराने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स के कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं, आपको आज जब मैं मैट्रिक आप समझना चाह रहे हैं, तो आप मैट्रिक के सभी पार्ट देखिए, इनवर्स फंक्शन के सभी पार्ट देखिए। अगर आपको 85% लाना है तो आपको ये करना ही होगा। क्या था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? 2xyzt प्लस का 3 मैट्रिक्स 1, 0, -1, 2 क्या दिया था? इक्वल टू 3 मैट्रिक्स 3, 4, 5, 6। अब इसमें यह कह रहा था हमें एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाई और जेड और टी की वैल्यू हमें निकाल के लाना है। हमारा जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें यह बोल रहा है कि हमें एक्स वाई जेड मतलब क्या है, एक्स वाई जेड और टी की हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या है, हमें एक्स वाई और जेड और टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके हमने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप अपने मन से ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए। आप कहीं भी पढ़ते कोई मतलब नहीं है, जो मैट्रिक्स पढ़ भी चुके हैं उनको दोबारा हमारा वीडियो देखना चाहिए। कि अगर आप तभी वीडियो देखेंगे अगर आपको नंबर लाना है 80% के ऊपर, तो आपको वी स्टडी चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए, उसके सभी वीडियो हैं आप देखिए। आपका है कि आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। आप टाइम नहीं बर्बाद करिए, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वी स्टडी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि मैट्रिक्स दिया था हमारे एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करना है। अगर कोई भी टू मैट्रिक्स के बगल में लिखो नंबर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2y z 2z, ये 2 है हमारा और ये हमारा z है, ध्यान रखना, और ये हमारा t है, ये मैट्रिक्स है। 3 का भी अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब 3, 0, -3, 6। आप क्या भी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 को मल्टीप्लाई यहाँ, तो -9, 12, 15 और 18 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, पहले हम इसमें प्लस करते हैं, ये वाले को इसमें प्लस, ये वाले को इसमें प्लस, मतलब 2x+3 2y+0 2z, ये 2 है ये z है, -3 और t+6। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इजगल टू 9, 12, 15 और 18। ये सभी अभी दो नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, ये क्योंकि 2x2 के हमारे मैट्रिक्स है, 2x2 के अब भी है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये वाला कंपेयर हो जाएगा, 2x+3 = 9। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2x = 9 - 3, मतलब 2x = 6। कैंसिल करेंगे तो x = आ जाएगा हमारा 3। x की वैल्यू हमारी निकल आई, कितनी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू हमारी 3 निकल आई। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, 2z - 3 = 15, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2z - 3 और -3 उधर जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, और तो z की हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। हमारी z की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारी z की वैल्यू 9। फिर उसके बाद हम t+6 को, ये किसके इक्वल होगा, ये 12 इसके इक्वल होगा 18 के, तो हमारा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा
टू है तो यहाँ भी टू का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ भी टू का और यहाँ भी टू का होगा, तो टू टी हो जाएगा, टू टी प्लस सिक्स हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे 12, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6। जब हमारी टी की वैल्यू 6 आ गई, किसकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, हमारे अभी वाई नहीं आया, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो वाई हमारा क्या कहते हैं कि, तो वाई हमारा क्या है, ये वाई इसके इक्वल हो जाएगा, टू वाई इक्वल टू हो जाएगा 12। तो कैसे करेंगे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स। यही हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू बाय फाइंड करना वह कर लिया, वाई की भी वैल्यू मालूम कर लिया, टी की भी मालूम कर लिया और वाई की भी मालूम कर लिया। तो देखिए क्या है, आपको गलती नहीं करना इसको, ये जो टू है ये सब में मल्टीप्लाई, जितनी भी अंदर है सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद इसको भी हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैट्रिक्स के बगल में लिखा होगा। आप गलती कहाँ करते हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं ना, कि ये पूरा इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। तो क्या है, 2x+3 और 2y+0, 2z+-3 और 2t+6। इसके बाद क्या है, इसके इक्वल कर देंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये पूरा इसके इक्वल होगा। तो कहने का मतलब 2x+3=9, तो x=2 हमारा 3 आ गया। फिर हमने इसको इक्वल कर दिया, 2z-3=15, माइनस को उधर जाएगा ये प्लस को हो जाएगा, अब z=9 आ जाएगा। उसी प्रकार हमने क्या कर दिया, 2t+6=18, तो 2t=12, तो t=6, इसी तरह y कर लिया। ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, लोगों तक पहुंचाना है कि कहते हैं कि ये फ्री कंटेंट है, आप अगर कोचिंग जाते कोई बात नहीं, आप देखिए हमारे चैनल को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। बार बार कहते हैं अगर आपको 85% के ऊपर नंबर लाना है तो आपको बी स्टडी चैनल के सभी कहते हैं वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ना है हमें। तो हम बार बार कहते हैं कि आपको सही से पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना, वीडियो को आप पूरा देखिए। क्या कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। आपके हमारे मार्कशीट में अगर एक बार नंबर लिख गए 95 नंबर मैथ में, हाँ मैथ में आपके कम से कम 95 नंबर आना चाहिए, आएंगे जरूर आएंगे। अगर आप बी स्टडी चैनल को कहते हैं सही से देख रहे हैं तो आपको जरूर नंबर आएंगे। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 ये बोर्ड में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो भी हम करा रहे हैं सब एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी हुआ है। तो आपको क्या करना है, बुक को लेकर बैठना है और उसको नोट करते हुए चलना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, तभी तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्या है, एक्स मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वाई मैट्रिक्स लिखा हुआ है और फिर इक्वल टू भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को 3x हो जाएगा, ये भी ऐसे मैट्रिक्स है। फिर प्लस करेंगे, प्लस कर दिया वो, फिर वाई को मल्टीप्लाई अंदर, तो वाई, फिर माइनस वाई क्या हुआ, 10 5। इसमें वैल्यू क्या फाइंड करना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना था। क्या हुआ, 2x-y और 3x+y, क्या हो जाएगा, 3x+y = 10 5 मैट्रिक्स दिया था। अब क्या हुआ, 2x-y = 10 और 3x+y = 5, ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब कैसे करेंगे, हम देखेंगे, हम यहाँ पर क्या निकाल लें, हम अगर 2x के वैल्यू ऊपर से निकाल गए तो यही से लिखा हुआ है, इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले जाएंगे, 2x-10=2y, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, कितना है, 3x चल रहा था, 2x-10 = 5,
कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो 2 × 3 माइनस का 10 = y, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 4। क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ गई माइनस का 4, x की वैल्यू आ गई, ये की वैल्यू आ गई 3। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी है, आपको मेथड आना चाहिए। अभी तक हम दो, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरे में, एक्स का वाई 2 में और 3 में, और वाई को मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, क्योंकि इसके इससे ऐड हो जाता है, ये इससे ऐड हो जाता है, क्यों हम इक्वल किया, हमने 2x2 की मैट्रिक्स है, इक्वल करने पर हमारा ये आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 था, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आपको ये हम आपकी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, अगर आपको अच्छा लगता है सबको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाना इस चैनल को। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट कहते हैं कि कहीं जा नहीं सकते, घर में रहकर अपना टाइम, मेन बात आपको 5 घंटे इस समय पढ़ना ही होंगे। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन हमारा हमारा 12 अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, 3 x z y और w इक्वल टू x माइनस का 1 6 2 w इक्वल टू प्लस क्या दिया है हमारा, 4 x + y z + w और 3 हमारा दे दिया है। ये हमारा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, 3 मैट्रिक्स में x y है और z w है, और इक्वल टू क्या है, x 6 है माइनस 1 2 w है, 4 x y है और w इसमें क्या लाना है, हमें इसमें हमें लाना x y z और w की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार आप निकाल के देखिए, एक मिनट के लिए आपको मौका देते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन क्या है, तो हमने पहले क्या करते हैं, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x 6 3x z था, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3z 3y और 3w ये हमारा था। अब क्या करेंगे, हम इनको इनको प्लस, इसको इसमें प्लस करेंगे, x प्लस का 4, अब क्या हो जाएगा, z w माइनस का 1, x प्लस का y प्लस का 6 और 2, फिर क्या था हमारा, 2w प्लस का 3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये है इसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस का 4 = 3x, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आने लगेगी, तो 3x - x, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x = 4, तो x = आ जाएगा कैंसिल करने पर 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये हमने इसके इक्वल किया था, अब हम ये इसको कर लो, इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, 3w + 2w + 3, इसको हम इधर लाएंगे तो 3w - 2w = 3, w की वैल्यू हमारी 3 आ गई। क्या आ गई हमारी, w की वैल्यू 3 आ गई। आपको आंधी नहीं लगाना है, पहले जो इजी तरीके से हो जाएंगे, आपको पेपर में सही से करना, एक ही बार में आंसर आना चाहिए। अगर आपने सही से पढ़ लिया, बार बार बोलते हैं कि 95% 95 नंबर आपके मैथ में आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद हमारा ये जेड भी मालूम है, डब्ल्यू भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, तो वाई भी लाना है हमें। अब देखिए ये इसके इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3y = हो जाएगा x प्लस का y प्लस का 6, जिसमें से हमें 3y इधर आ जाएगा तो 2y बचेगा,
एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 + 6, तो वाई, तो 2y = कितना हो जाएगा 8, तो y = कैंसिल कर देंगे, तो y = हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y = हमारा 4 आ गया। x क्या मालूम चल गया हमारे, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू और w की वैल्यू आ गई 3, और z की वो y की वैल्यू ये आ गई। हमें अब फाइंड करना है z, तो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए z हमारा यहाँ है और यहाँ है, तो क्या करेंगे हम, 3z = zw - 1। अब 3z इधर आ जाएगा, 3z - z मतलब कितना, और w - 1। अब देखिए यहाँ से 2z बचेगा, ये 2z लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये 2 और z लिखा हुआ है, ये हमारा 2 है, ध्यान रखना ये हमारा 2 है, ये हमारा z है, = w - 1। और w के हमने वैल्यू निकाला है, क्या निकाला हमने w की वैल्यू, 3, तो 2z = 3 - 1 मतलब 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको सही से क्वेश्चन करना है, अगर आपने सही से फॉलो कर लिया वी स्टडी चैनल को, तो आपके 95 नंबर मैथ में देखने को मिलेंगे। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या था ये हमारा क्वेश्चन, मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये जो हम बोलते हैं बगल में कोई भी मैट्रिक्स नंबर लिखा हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सब में करेंगे, तो सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हमने ये वाला कॉलम इससे ये इससे ऐड होगा, और ये इससे ऐड होगा, ऐड करने पर तो हमारा 3x मतलब ये आ गया। अब 3x किसके इक्वल होगा, तो x प्लस 4 के इक्वल कर दिया, ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल कर दिया, ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल कर दिया। तो देखिए देख कर लाना है कि कैसे क्या आ जाएगा, तो क्या करना है आप लोगों को, सही से पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है। अगर आपने सही से चैनल को फॉलो कर लिया, तो आपके कोई भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं एनसीईआरटी के, आपके वही पेपर में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 95 नंबर मार्क लाने हैं, 90 मतलब 95 नंबर आपको मार्क लाने हैं, नंबर लाने हैं मैथ में, बहुत आसानी से आ जाते हैं, बस आपको पूरा वीडियो देखना होगा, सही से देखना होगा, तभी आपके 95 नंबर आएंगे। कहने में तो ईजी होता है, करने में कठिन होता है, जो मेहनत करेगा, बार बार कहते हैं जो मेहनत करेगा उसी के नंबर आएंगे। मैथ जिसको नहीं आती कोई बात नहीं, आज से 4 महीने हैं, तो आज से अभी से पढ़िए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको वी स्टडी चैनल पर पढ़ना ही होगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना आल पर, क्योंकि सुबह हमने कल, आप जो जो स्टूडेंट हमारे कल की वीडियो नहीं देखा है टाइमिंग की, वो जाकर हमारे प्ले स्टोर में जाकर वीडियो देखें वी स्टडी चैनल पर, तो आपको सभी क्लासेस के टाइमिंग मालूम चल जाएगी। वही 5-2 या 3 मिनट इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग वही रहेगी। तो आपसे बार बार कहते हैं कि आप वी स्टडी चैनल को टाइम से देखिए, पूरा देखिए, हमारे ट्रिग्नोमेट्री नो फंक्शन हो चुका है उसको देखिए जाकर, और ये जो हमारे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, वो आपको क्या करना है, शुरुआत से देखना है हमारे मैट्रिक्स सभी पार्ट। उसके बाद हमने डिफरेंशियल भी स्टार्ट कर दिया था, वो भी चल रही है, तो उसको भी देखना है। तो मैट्रिक्स का जो भी है, तो आप फर्स्ट पार्ट से देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़रूर करिए, तभी हम कहते हैं कि आपको कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तभी हम आपको वीडियो बनाते हैं। हाँ, हमारी क्लास रेगुलर चलती रहेंगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो आप बने रहिए वी स्टडी चैनल का, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।